अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज के कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल में हम शेप टूल के बारे में जानने जा रहे हैं कि शेप टूल का यूज़ किस तरह होता है, साथ ही साथ रेक्टेंगल टूल, सर्कल टूल्स, पॉलीगॉन टूल्स और शेप टूल, डिफरेंट शेप टूल के ऊपर हम कलर्स कैसे फिल करते हैं आउटलाइन के साथ और फिल के साथ, ये आज हम देखेंगे। और शेप टूल का यूज़ हम टेक्स्ट के ऊपर किस तरह करते हैं और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ भी हम जानते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलेगा, इसका शॉर्टकट की जो है F6 है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर जूम टूल यहाँ पर आपको मिलेगा, जूम टूल जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये जूम हो जाएगा। उसके बाद मैं शेप टूल लेता हूँ। देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ तो हो गया है, अब हम शेप टूल का इसके ऊपर यूज करके देखते हैं क्या होता है। शेप टूल का जो शॉर्टकट है वो है F10, यानी आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करोगे तो शेप टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं माउस से क्लिक करता हूँ, ये देखिए शेप टूल हो गया है। अब जैसे ही मैं शेप टूल यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करके मूव करता हूँ, ये देखिए इसके कॉर्नर जो है ना राउंडेड हो जाते हैं, रेक्टेंगल के जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो जाते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे पिक टूल से देखोगे तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर जो है वो सब इक्वली हुआ है। क्या हुआ है? इक्वली कॉर्नर जो है वो डिवाइड हुआ। फिर से शेप टूल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपका यहाँ पर हो गया कॉर्नर। आपको अगर स्क्वायर के राउंडेड करने हो तो आप यहाँ से शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शेप टूल को हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं। ये ड्रॉ किया सर्कल, अब शेप टूल को लेते हैं, क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सर्कल की प्रॉपर्टी आ गई, पाई में है, आर्क में है। अगर मैं शेप टूल यहाँ पॉइंट से पकड़ के मूव करता हूँ तो ये देखिए सर्कल हमारा हाफ हो जाता है। ये देखिए हाफ हो गया। अगर इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ तो बीच में एक लाइन भी ड्रॉ होती है। ये विदाउट लाइन के है और ये लाइन के है, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो शेप टूल से जो है आप डिफरेंट डिफरेंट वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए मैं फिर से इसको इतना रखना चाहता हूँ, इतना रखा और ये यहाँ से मूव किया। ये देखिए ये प्रॉपर्टीज के ऊपर आके जाकर आपको सारे चेंजेस करने के ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आप शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। शेप टूल जो है वो कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, माउस को पूरा ड्रैग करके उसको छोटा करता हूँ, यहाँ से साइड से पकड़ कर उसको यहाँ हम साइड में रखते हैं। ठीक है, अब पॉलीगॉन में ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही पॉलीगॉन ड्रॉ करते हो देखो यहाँ पर 5 जो इसके साइड्स कितने 5 हैं। अगर आप बढ़ा दोगे, ये देखिए जैसे जैसे आप यहाँ से साइज बढ़ा करोगे, इंक्रीज करोगे, वहाँ पर वैसे वैसे वो रिजल्ट आएगा। मिनिमम जो है वो 3 है यहाँ पर और मैक्सिमम आप यहाँ पे करके देखिए ये हो सकता है। अभी इसी के ऊपर जो है ना हम क्या करेंगे, शेप टूल का यूज करके देखते हैं। देखिए शेप टूल पे क्लिक करता हूँ मैं और कोई भी पॉइंट पकड़ के मूव करता हूँ, ये देखिए ये शेप बन रहा है हमारा। तो ये इस तरह से वर्क करता है, शेप टूल जो है वो इस तरह से काम करता है। तो शेप टूल का ये हो गया आपका एक यूज। अब शेप टूल का थोड़ा सा एडवांस यूज हम देखते हैं किस तरह से होता है। पहले तो हम शेप टूल को कैरेक्टर के ऊपर यूज करके देखते हैं। टेक्स्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट, जैसे ही आपने टेक्स्ट लिखा, कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, जैसे ही आपने टेक्स्ट लिखा यहाँ पर, ये देखिए लिखने के बाद ये टेक्स्ट हो गया। अब इसका आप सिंपली है कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट को लेकर हो या शेप को लेकर हो, किसी को भी अगर आपको उसका साइज बड़ा करना हो तो आप पिक टूल्स की मदद से जो है डायरेक्टली उसका साइज बड़ा कर सकते हो। ये देखिए पिक टूल की मदद से डायरेक्ट बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी टूल बार के ऊपर आपको फॉन्ट साइज भी नजर आएगा और फॉन्ट हैंडराइटिंग भी नजर आएगी। तो ये हो गया हमारा साइज इंक्रीज और डिक्रीज, ये हम माउस की मदद से कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। अब टेक्स्ट के ऊपर हम शेप टूल का यूज करके देखते हैं। क्लिक किया टेक्स्ट के ऊपर और अब हम जाते हैं शेप टूल पर क्लिक करते हैं। जैसे शेप टूल पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये देखिए ये डाउन की तरफ है और ये राइट की तरफ है। जैसे इसको हम बड़ा करते हैं, ये देखिए बड़ा हो गया, ये देखिए ये छोटा हो गया। तो इसकी मदद से जो है हम ये देखिए कोई भी कैरेक्टर को हम निकाल भी सकते हैं वहां से। ये देखिए यहां से जो भी पॉइंट से पकड़ के आपको रिमूव करना है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। यहाँ पे कंट्रोल जेड यानी कि अंडू का ऑप्शन भी है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम करता है। ये देखिए मैंने रिवर्स किया, ये रिवर्स किया, ये रिवर्स किया। तो शेप टूल की मदद से जो है आप इस तरह से कैरेक्टर में जो है स्पेसिंग दे सकते हैं शेप टूल की मदद से। ये देखिए, और अगर कैरेक्टर आपके नीचे की तरफ होते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो वहां पर भी आप स्पेसिंग दे सकते हैं। वो भी मैं एग्जांपल आपको शो करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ जेड लिखा, एंटर किया, फिर यहाँ पे यू लिखा, एंटर किया, फिर बी ए आई आर ये लिखा, यू बी डी आई
एन, ठीक है। तो यहां पर भी जो है ना आप शेप टूल का यूज करके कैरेक्टर में जो है स्पेसिंग दे सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया शेप टूल यूज किया, ये देखिए ऊपर की तरफ में, ये देखिए ऐसे इसको कर सकते हैं हम, इस तरह से हम कैरेक्टर अप एंड डाउन करके शेप टूल का यूज कर सकते हैं। तो ये जो शेप टूल मैंने आपको बताया है ये बेसिक शेप टूल है, यानी कि हम इसको सिर्फ अभी बेसिकली शेप टूल का यूज कर रहे हैं। तो आप शेप टूल की मदद से जो है आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। शेप टूल का एक एडवांस ऑप्शन भी है जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शेप टूल का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कलर्स के बारे में भी बता देता हूँ कि हम कलर्स कैसे फील करते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हमने जूम किया, अब मुझे इसमें जो है ना फील कलर करना है, मैं इसके अंदर जो है फील कलर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये ऑब्जेक्ट को साइड में ले लेते हैं। यहाँ पे फील कलर करना है तो सिंपली जो भी कलर आपको फील करना है उस कलर पे क्लिक करो। ये देखो फील कलर हो गया है, ठीक है। अब आउटलाइन, आउटलाइन कलर करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होता है, जो भी कलर है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे हमने राइट क्लिक किया, देखो आउटलाइन फील हो चुका है रेड कलर में, लेकिन हमको ज्यादा नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आउटलाइन की जो थिकनेस है वो 0.2 mm में है। तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये देखिए थिकनेस बढ़ चुकी है। तो ये आउटलाइन कलर आपको पता चल रहा है कि आउटलाइन कलर भी हुआ है। फिर से मैं चेंज करता हूँ, डार्क ब्लू लेता हूँ, लाइट ब्लू लेता हूँ, या आउटलाइन कलर आपको निकालना है तो हम यहाँ पे ये दिख रहा है क्रॉस, इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है। सिंपली अगर आपको आउटलाइन कलर निकालना है तो राइट क्लिक, और फील कलर निकालना हो तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक। ये फील कलर भी निकल गया। देखिए मैं आउटलाइन कलर फिर से करता हूँ, राइट क्लिक करके ये ब्लैक आउटलाइन आ गई, फील कलर अभी कुछ भी नहीं है इसमें। फिर से मैं फील कलर करता हूँ, ये देखिए फील कलर हो गया है। फिर से आउटलाइन करता हूँ, ये देखिए आउटलाइन हो गया है। यहाँ पे हम उसका mm बढ़ा देते हैं, ये देखिए बढ़ चुका है। तो इसी तरह से जो है ना दोस्तों आपको टेक्स्ट में भी कलर फील कर सकते हैं आप। जैसे आपको टेक्स्ट में कलर फील करना है तो उस तरह जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर ये देखिए फील कलर हो गया टेक्स्ट। इसके भी आउटलाइन फील करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, आउटलाइन फील हो चुका है, ये देखिए आउटलाइन फील हो चुका है यहाँ पर। साथ ही साथ हम हैंडराइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद जो भी हैंडराइटिंग आपको चाहिए, सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस तरह से हम काम करते हैं उसी तरह से यहाँ पर हम आउटलाइन सॉरी हैंडराइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए और हैंडराइटिंग भी आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ आप मैनुअली जो है साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आपको करना है आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं शेप टूल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था, तो शेप टूल का आप जो इस्तेमाल करके कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उसके मुताबिक शेप दे सकते हैं। शेप टूल का एडवांस वर्जन भी है एक, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी ट्यूटोरियल मैं आपको लेकर आऊंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर जाकर देख लीजिए, यहाँ पर बेसिक शेप्स भी आपको मिलेंगे, एरोज भी मिलेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एरो मिलेंगे बहुत सारे, आपको एरो ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको यहाँ पे बेसिक शेप पे क्लिक करोगे तो बेसिक शेप में आपको ये बेसिक शेप्स मिलेंगे, आप इसके ऊपर ड्रॉ करके बेसिक शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैनर्स के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, ये बैनर्स के भी आपको ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अंदर भी जो है आप कलर फील कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लाउड शेप्स भी है यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं ये नोट्स वगैरह लिखने के लिए। और अगर आपको कलर फील करना है तो आप यहाँ पे जाकर कलर भी फील कर सकते हैं। तो बेसिकली हम शेप टूल और कुछ ऑब्जेक्ट टूल्स के बारे में यहाँ पर आज देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो रहेगा वो आपके लिए लेकर आऊंगा। जज़ाकअल्लाह।